हाय दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने आया हूँ एक नया बेहतरीन एक ऐसा कोर्स लेकर के जो कहीं ना कहीं हमारी सबकी लाइफ से रिलेट करता है और हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। और अभी जो रिसेंट में हमारी एक सीरीज चल रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये उसी सीरीज का दूसरा कोर्स है, दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि बर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में सिर्फ इतना आप अभी समझ सकते हैं कि ये कोर्स एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे हम जो मिसकॉन्सेप्शन है हमारे आजकल की दैनिक जीवन में या हेल्थ सेटअप के अंदर मिसकॉन्सेप्शन है कि ये बीमारी कभी ठीक ही नहीं हो सकता या इसका कोई इलाज नहीं है या हम इससे कैसे उभर सकते हैं, उन सब सारे क्वेश्चन को मैं इसमें धीरे धीरे कवर अप करने की कोशिश करूंगा। और अच्छी बात यह है कि वो कॉन्सेप्शन जैसे ही क्लियर होते हैं तो आप खुद कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, क्योंकि मैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं जिस डिसीज के बारे में इस कोर्स में बात करूंगा वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दोस्तों हम सब जानते हैं ये उसी कैटेगरी का बीमारी है जैसे एक एचआईवी एड्स होता है। एचआईवी एड्स से हम लोग कितने डरे हुए होते हैं ऑलरेडी ये बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ठीक उसी तरीके से एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और दूसरे टर्म में हम इसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। तो आप सोचिए कि ये नॉर्मल अगर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में अगर ये लम्हा या ये शब्द जब वो व्यक्ति सुनता है तो उसकी जिंदगी पर क्या असर होता होगा, और जब ये बात किसी परिवार के आने वाले बच्चे से पहले की हो, एंटीनेटल एज में अगर किसी व्यक्ति को ये चीज पता चले, किसी औरत को, किसी माँ को ये चीज पता चले, तो उसके जीवन का सबसे काला दिन इसको मान सकते हो आप। तो इसी से रिगार्डिंग मेरा ये आज का टॉपिक है, कोर्स है। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो हमारा देखना चाहिए, और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है अगर ये किसी के पास में भी पहुंचती है तो आने वाला कल है, किसी भी परिवार का आने वाला चिराग है, उसको हम बचा सकते हैं, उसको एक सही समय पर सही ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। और जो मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसकॉन्सेप्शन है कि एसटीडी कभी ठीक नहीं हो सकता या उसका कोई इलाज नहीं है, तो ये सारे के सारे गलत फहमियां हैं। मैं आज इन्हीं को इस वीडियो के थ्रू दूर करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं राघविंद सिंह सोलंकी स्वागत करता हूं आप ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग ब्लॉग्स पर, जहां रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जहां पे हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन दुनिया की सबसे बेहतरीन हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन वीडियो में आपके लिए शेयर किया जाता है जो आपके लिए जरूरी है, आपके शरीर के लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है। तो अगर आपने भी हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे और स्पेशली इस सीरीज का पहला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का पहला वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें और उसमें जो इन्फॉर्मेशन मिले उसके बाद में कंटिन्यूटी में आप ये हमारा सेकंड वीडियो देखें, तो ही वो चीजें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। और उससे भी पहले हमारा एक और सीरीज चला था जो 5 कोर्स का सीरीज था, वो था हेल्थ इनक्वालिटी मॉनिटरिंग के बारे में। तो जो व्यक्ति हेल्थ डेटा में काम करते हैं, हेल्थ डेटा पर काम करते हैं, क्वालिटी पर काम करते हैं, उनको वो सीरीज देखनी चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखें, आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी। अभी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक ऐसी डिसीज के जो मिसकॉन्सेप्शन है उनको सबको क्लियर करूंगा, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस कोर्स को करने के बाद में अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं तो भी अपॉर्चुनिटी है, अगर नहीं भी करते हैं तो आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके परिवार को सुरक्षित और महफूज करने में हेल्प करेगा। तो आप हमारा ये वीडियो अंत तक देखें, अगर आपके आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं बोलता हूं कि अगर आप किसी भी चीज में फंस रहे हैं, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। तो जो आप कमेंट करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उस पर डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे और आपके उन जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको सर्टिफिकेट दिलवाने का काम की जिम्मेदारी हमने ले रखी है तो हम उसको पूरा करेंगे। आप आज का ये सीरीज देखें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में है, कंप्लीट डिटेल है, और स्पेशली जो एंटीनेटल केयर है, जो प्रेग्नेंट वोमेन है, उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये वीडियो शेयर जरूर कर दें उन सबके साथ।
डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आपको सीधा क्लिक करके इस वेबसाइट के होम पेज पर चले जाना है। और अगर आप इसके होम पेज पर जाते हो तो दोस्तों इसके रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, एक मेल आईडी जो जिससे आपका गूगल अकाउंट ओपन है वो, और यहाँ पे अपना पासपोर्ट, बस इन्हीं तीन चीजों का जरूरत पड़ेगा और आप इजिली इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर जाओगे। रजिस्टर्ड करने के बाद में फिर आपको करना क्या है कि जो हम डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो शेयर कर रहे हैं उनका लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं अपने, तो वहां से वो लिंक को कॉपी करना है और सर्च बॉक्स में आके उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट आपको उस कोर्स पर रीडायरेक्ट कर देगा और वहां से आप इस तरीके से किसी भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कोर्स में आप इजिली एनरोल कर जाएंगे। एनरोल करने के बाद में फिर आपको उस कोर्स रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वन बाई वन जो हम आपको बता रहे हैं उन सारे स्टेप को फॉलो करना है। फॉलो करेंगे तो फिर आपको एंड में सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आज का कंप्लीट हम ये जो कोर्स है, जो डिटेल है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, उसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। ये कोर्स है किस चीज के बारे में, तो ये कोर्स हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सेकंड सर्टिफिकेट कोर्स है इस सीरीज का। और इस ये कोर्स जो है वो रिड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रीटेबल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इन एंटीनेटल केयर। ट्रीटेबल किस लिए है ये भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, एक ट्रीटेबल है एक नॉन ट्रीटेबल है, तो उस चीजों को जानेंगे। कोर्स इन्फॉर्मेशन की बात कर लेता हूं मैं, तो कोर्स इन्फॉर्मेशन में पहला जो है वो ओवरव्यू है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड नंबर पे जो है ये है कि हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं वो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर पे कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, कोर्स के अंदर मॉड्यूल कितने होने वाले हैं, कोर्स का ड्यूरेशन क्या होने वाला है, और फाइनल में आपको ये पूरा कंप्लीट विजिट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा और उसको कहां से डाउनलोड करोगे और वो दिखेगा कैसे, इन सारी चीजों का डिटेल जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आप हमारे साथ में इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरा वीडियो कंप्लीट करके देखें। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको नॉलेज तो मिलेगी नहीं, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा जो कि बहुत जरूरी है। सीधे हम कोर्स के वेबसाइट पर आ चुके हैं, तो अगर आप इस कोर्स की मैं बात करूं तो कोर्स जो है वो रिड्यूसिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रीटेबल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इन एंटीनेटल केयर के बारे में है। कोर्स डिटेल में ऑलरेडी हम लोग एंटर्ड हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी WHO ने मेंशन किया है था, एम ऑफ दिस कोर्स इज टू इम्प्रूव द प्रिवेंशन डिटेक्शन ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड अदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTIs इन सेटिंग सर्विंग प्रेगनेंट वुमेन एंड देयर फैमिलीज। इनका कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स में जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिवेंट द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, हाउ टू डिटेक्ट द STIs, हाउ टू ट्रीट द XTI, अगर कोई सीवियर केसेस है तो हम उसको किस तरीके से क्योर करेंगे, उसके साथ में जो रिप्रोडक्टिव अदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं लाइक UTI और अदर वेजाइनल इन्फेक्शंस जो हैं उनको भी ये किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, खासतौर से जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, लेडीज हैं और फैमिलीज हैं उनके लिए। सेल्फ प्लेस कोर्स है, इंग्लिश में अवेलेबल है, कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। अगर कोर्स डिटेल की भी मैं बात करूं आपसे, अगर कोर्स डिटेल की मैं बात करूं आपसे तो अगर आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है कोर्स ओवरव्यू। तो कोर्स ओवरव्यू में इन लोगों ने मेंशन करके रखा है कि ओवर 374 मिलियन ग्लोबल केसेस ऑफ क्यूरेबल STIs अकर्स एनुअली। इन्होंने वो इनका कहने का मतलब ये है कि अभी तक वर्ल्ड वाइड 374 मिलियन ग्लोबल केसेस ऐसे हैं जिनको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, मेकिंग क्यूरेबल STIs एन इम्पोर्टेंट ग्लोबल कॉज ऑफ अ मैटरनल एंड पेरिनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। दीज इन्फेक्शन आर क्यूरेबल, फैक्टर्स सच एज इंक्रीजिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑफ द क्लेमाइडिया गोनेरिया एंड सिफिलिस कॉज बाय सब ऑप्टिमल डायग्नोसिस स्पेशली इन द वुमेन्स एंड एंटीबायोटिक मिसयूज एंड ओवरयूज आर मेकिंग गोनेरिया मोर डिफिकल्ट टू
एज वेल एज कॉम्प्लिकेटिंग ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर द क्लाइमेडिया एंड सिफिलिस। इनका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो 374 मिलियन से अधिक वैश्विक मामले ऐसे हैं सालाना होते हैं जिसे इलाज योग्य एसटीआई मात्र प्रवास कालीन रुग्णता और मृत्यु दर का एक महामारी वैश्विक कारण बन जाता है। हालांकि ये संक्रमण इलाज के योग्य होते हैं, इनको हम ट्रीट कर सकते हैं। इनके विशेष रूप से महिलाओं में के कारण क्लाइमेडिया, गोनेरिया, सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के एक प्रारूप होते हैं, उनको रोगाणु प्रतिरोधक एंटीबायोटिक के दुरुपयोग होने की वजह से उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं रजिस्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो अगर हम वो कंडीशन ऐसा होता है किसी भी महिला के साथ में तो फिर वो उस पर उतना वैकल्पिक तरीके से नहीं कर पाता है चीजों को। तो वही कहने का मतलब उन्होंने बताया है ऑलरेडी, एंटीबायोटिक के दुरुपयोग और अति प्रयोग जैसे कारक जैसे गोनेरिया और इलाज के लिए और भी जटिल उपचार विकल्पों को और अधिक कठिन बना रहे हैं क्लाइमेडिया और सिफिलिस जैसे रोगों के लिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे केसेस में सबसे ज्यादा एंटी माइक्रोबियल्स का यूज करता है तो ऐसे केसेस में उस व्यक्ति की जो इम्यून कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं रजिस्ट करती है। इस चीज के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी हम उन मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को उस व्यक्ति की डिसीज को झेलने के कंडीशन में वो चीज अच्छे से रिकवरी फेस में नहीं आ पाती है और उस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए। अबाउट द कोर्स की बात करूं तो इस कोर्स का मेनली एम क्या है? इम्प्रूव डायग्नोस्टिक को इम्प्रूव करना, थेरापेटिक डिस्कशन मेकिंग करना बाय क्लिनिकल प्रैक्टिशनर फॉर द डिफाइंड सेट ऑफ द क्यूरेबल एसटीआईज। इनका मतलब यही है कि जो पैराम प्रैक्टिशनर है वो उसको डिफाइन करें सेट में कि कौन सी एसटीडीआई जो हैं वो क्यूरेबल है, कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऐसे हैं जो ट्रीटेबल हैं, कौन से ऐसे हैं जहां पे हमें एक एंटीबायोटिक और पर्टिकुलर ट्रीटमेंट का नीड है, सिफिलिस कौन सा है, गोनेरिया कौन सा है, क्लाइमेडिया कौन सा है, इन प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो हु सीक एंटीनेटल केयर जिनको एंटीनेटल केयर का जरूरत है, लो एंड मिड इनकम कंट्रीज के अंदर। दिस कोर्स सीक टू स्ट्रेंथन एंटीनेटल एसटीआई। ये इस कोर्स में इस चीज पे ज्यादा फोकस किया गया कि एंटीनेटल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हैं उनको हम किस तरीके से मजबूत करें कि कम से कम हो और अगर हो रहे हैं तो उनको एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सके। शॉर्ट वीडियो प्रेजेंटेशन, केस स्टडी एंड नॉलेज चेक, क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। एक टारगेट पर्सन हु डिलीवर एंटीनेटल केयर इन एन एएनसी सेटिंग्स, ये किस चीज के लिए है? तो स्पेशली नर्सेस, मिडवाइफ्स और डॉक्टर्स इस कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है, एज वेल एज द फैसिलिटी मैनेजर्स, जो फैसिलिटी मैनेजर है स्पेशली जो आईवीएफ सेंटर में काम करते हैं उनके लिए भी है और जो डे केयर एंटीनेटल केयर में काम करते हैं उनके लिए भी है, एंड पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनाते हैं, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स डोमेन में काम करते हैं वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटीनेटल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट नेगेटिव पेरिनेटल और मैटरनल आउटकम्स। अगर मॉड्यूल की बात करूं तो इसमें टोटली 4th मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 जो है वो प्रोवाइड अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड देयर आरटीआईज एंड देयर इफेक्ट्स इन द प्रेगनेंसी एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट देम। सेकेंड मॉड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड ऑफ द केयर SOC है के बारे में, सेवरल ऑप्शन ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, स्क्रीनिंग कैसे करना है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का, डायग्नोसिस कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आप सेकेंड मॉड्यूल में जानोगे। थर्ड मॉड्यूल जो है वो क्लिनिशियन को प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस एडवाइस STI स्क्रीनिंग की, डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन द WHO बर्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। कवर फॉलोअप विजिट, पार्टनर ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ द मॉनिटरिंग STI सर्विसेज, ट्रेंड्स, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस,
दिस कोर्स विल बी अपडेटेड सुड बाय द WHO STI ट्रीटमेंट गाइडलाइन। ये कोर्स जो है वो किसके थ्रू अपडेट किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू बी अपडेटेड और amended, it will be also be updated based it in part on the feedback from end user course evaluate survey। इस कोर्स में सीखने वाली बात कर लेते हैं, इस कोर्स में आप सीखने वाले क्या हैं? Explain why STI are among the most important case or of maternal or pre maternal morbidity and mortality। ये इस कोर्स में हम सीख पाएंगे कि STI जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है वो क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी केसेस में, स्पेशली जो प्रीनेटल और पोस्टनेटल मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी होती है उसके लिए। डिक्रीज द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लिनिकल सर्विसेज इन द रिड्यूसिंग ऑफ द बर्डन ऑफ द STIs। हम डिक्रीज करेंगे रोल और एंड इम्पोर्टेंस को क्लिनिकल सर्विसेज के, कि वो किसी भी तरीके से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकें। रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड ऑफ द केयर, उसका SOP या SOC क्या होगा वो हम इसमें डिसाइड कर इस कोर्स से सीखने वाले हैं। डिफाइन गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ द STI मैनेजमेंट, के एक अच्छी गाइडलाइन क्या होगा STI मैनेजमेंट के लिए, इंक्लूडिंग इन द सिचुएशन वेयर देयर आर द लिमिटेशन ऑफ द हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी एंड द अवेलेबल रिसोर्सेस, स्पेशली उन कंट्रीज के अंदर जहां पे ये चीजों की बहुत ज्यादा कमी है, जहां पे प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेस नहीं है, यहां पे प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उन केसेस में हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को किस तरीके से रोकेंगे इस चीज के बारे में जानेंगे। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द एंटीनेटल अवेयरनेस राइजिंग, कि हम किस तरीके से एंटीनेटल अवेयरनेस राइजिंग को बढ़ा सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उनका स्क्रीनिंग इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल कम्युनिटी वर्डन ऑफ द STIs, के हम जो ओवरऑल वर्डन है उसकी STI का उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। एक्सप्लेन की एलिमेंट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल स्टेवरशिप AMS और इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC रिलीवेंट टू द एंटीनेटल STI मैनेजमेंट, और स्पेशली इसमें हम उन चीजों के बारे में भी जानेंगे जैसे एंटी माइक्रोबियल स्टेवरशिप क्या होता है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल IPC क्या होता है, और STI मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉनिटरिंग पार्टनर स्क्रीनिंग एंड रूटीन फॉलोअप फॉर रिड्यूसिंग द ओवरकम कम्युनिटी वर्डन ऑफ STI, इसको हम किस तरीके से करेंगे। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 आवर का कोर्स है। सर्टिफिकेट की बात करूं तो रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, वो आपको तभी मिलेगा जब आप एटलीस्ट 80% इसमें लेके आते हैं। कोर्स वर्जन जो है वर्जन 1.10 का वर्जन है। कोर्स कंटेंट की बात करूं तो कोर्स कंटेंट जो है वो 4th मॉड्यूल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉड्यूल 1 जो है वो STI अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन के बारे में है, मॉड्यूल 2 जो है वो प्लानिंग फॉर द STI सर्विस प्रोविजंस के बारे में, कि हम STI को किस तरीके से प्रोविजन कर सकें उसको। 3rd मॉड्यूल जो है वो डिटेक्शन एंड मैनेजिंग STI इन प्रेगनेंसी। 4th मॉड्यूल जो है वो फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग के बारे में है। फाइनली असेसमेंट है, फाइनली असेसमेंट में यहाँ पे 25 questions इन द क्विज बेस्ड असेसमेंट है, जहाँ पे 80% लाना मस्ट है। कोर्स इवैल्यूएशन सर्वे है, अगर आप डायरेक्ट कोर्स में एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे लर्निंग पे टैब पे आप जा सकते हैं। जैसे ही आप लर्निंग टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 4th मॉड्यूल जो है वो डिटेल मिल जाएगा। पहला मॉड्यूल जो था वो इंट्रोडक्शन ऑफ द STIs एंड RTIs के बारे में है, रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन क्या होता है, इसके चीज के बारे में है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वीडियो कंटेंट और क्विज है के फॉर्म में है, तो आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना है। वीडियो जो है वो 13 मिनट 12 सेकंड का है, और उसके बाद में इस वीडियो को आप कंप्लीट ऑन करके चेक करें, अपने नोट्स बनाते रहें साथ साथ में, राइट। ऑफ दिस STI अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन मॉड्यूल, इन दिस यूनिट वी विल लुक एट द इंपैक्ट ऑफ STIs एंड RTIs। अगर आप थोड़ा सा वीडियो को प्रोवाइड के बाद में इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ द हेल्थ, व्हाट इज द STI RTI, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं, इसको आप वीडियो फॉर्म में, ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म में, प्रेजेंटेशन फॉर्म में सब तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे जाएंगे तो इसका दूसरा मॉड्यूल जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक उसी तरीके से आपको 2nd मॉड्यूल ये इस तरीके से, और ये सेल्फ क्विज है तो इनको आप विजिट कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से 2nd मॉड्यूल है।
जैसे आप सेकंड मॉड्यूल पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी 3 वीडियो हैं, 1 क्विज है और ये अदर रिसोर्सेस लिंक है, राइट। तो यूनिट 1, यूनिट 3 इस तरीके से उन्होंने कंप्लीट डिटेल इनको दे रखा है। तो यहाँ पे भी वीडियोज हैं, तो वीडियो में अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे 3 वीडियो हैं ऑलरेडी। तो वीडियो जो है वो ये 10 मिनट 08 सेकंड का है, यूनिट 1 है कि स्टैंडर्ड ऑफ द केयर या SOP क्या होगा STI स्क्रीनिंग के लिए, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो इसको भी आप डाउनलोड या इसके प्रेजेंटेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑडियो फॉर्म में भी सब तरीके से। ये मॉड्यूल 3 है जो डिटेक्टिंग एंड मैनेजिंग STI प्रेगनेंसी है। इसमें 3 वीडियो हैं और मल्टीपल क्विज हैं जिनको आपको पास करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक उसी तरीके से 4th मॉड्यूल है फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग। तो अलग अलग मॉड्यूल हैं और मॉड्यूल के अलावा इस मॉड्यूल के बाहर इसको इस पर्टिकुलर जो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर उन्होंने बेसिक डिटेल आगे ही दे रखा है ऑलरेडी। व्हाट विल यू लर्न इन दिस मॉड्यूल, एक्सप्लेन इट थ्रू द फॉलो अप आंसर, सक्सेसफुली ट्रीटमेंट, समराइजेशन, पार्टनर ट्रीटमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, फॉलो अप द एक्सपोज्ड इन्फेंट, डिस्क्राइब रिलीवेंट मॉनिटरिंग। तो ये अलग अलग मॉड्यूल फॉर्मेट की बात किया है उन्होंने। तो टेबल 4.1 में क्या दिया है, टेबल 4.2 में क्या दिया है, तो ये ठीक उसी तरीके से यूनिट 2 है। तो ये अलग अलग चीजें दे रखी है उन्होंने ठीक उसी तरीके से। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे एक फाइनल असेसमेंट होता है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन का एक फाइनल असेसमेंट है जिसमें 80% आना मैंडेटरी, तभी आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिलेगा। तो अगर मैं सर्टिफिकेट पे के टैब पे जाके अगर आपको बात करूं तो सीधे हम उससे पहले अगर आपको प्रोग्रेस देखना है कि आपने कितना क्या किया तो प्रोग्रेस टैब में जाके इसका कंप्लीट प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। और इसमें मेरे को 100% ऑलरेडी मिला हुआ है, 25 में से 25 क्वेश्चन पास आउट किए थे तो 100% मिला हुआ है, मॉड्यूल में भी है। और मैं अपना सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है तो मैं डिस्कशन में जाके अगर मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट मैं यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता हूँ, या मेरे को जिन क्वेश्चन के जैसे STI ट्रीटमेंट क्या होता है, यूजिंग एंटी माइक्रोबियल टू प्रिवेंट STIs क्या होता है, तो इन क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो। इससे दोस्तों हमारा एक नंबर जो है वो बढ़ता है और नंबर बढ़ने के बाद में वो एड ऑन होते हैं सारे चीजें, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको बैगेज भी मिलते हैं बाद में, वो भी मैं बात करूंगा। सर्टिफिकेट पे जैसे ही आप जाते हो तो सर्टिफिकेट पे जाने के बाद में जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट का सर्टिफिकेट जो है वो आपको बड़ा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइड से मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू अचीव द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्स बाय स्कोरिंग 100% इन द ग्रेडेड असाइनमेंट, अचीव 80% ऑफ द ओवरऑल स्कोर इन ग्रेडेड असाइनमेंट। जो भी आपको असाइनमेंट दिए हैं, जो भी क्विज दिए हैं, उनमें 80% लाना मैंडेटरी है, तभी आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद में सर्टिफिकेट दिखेगा कैसे वो मैं आपको मेरे ऊपर सर्टिफिकेट दिख रहा होगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप भी इसके सारे मॉड्यूल को विजिट करते हैं, अगर मॉड्यूल विजिट करने के बाद में क्विज में आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई क्विज पास आउट नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें नंबर कम आ रहे हैं, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें आपकी डायरेक्ट हेल्प कर देंगे। और सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद में ठीक उसी तरीके से दिखेगा जैसे मेरे आपको बाजू में दिख रहा होगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो भी डिटेल शेयर किया गया है उसको आपने देखा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा, आपको नॉलेज अच्छा लगा, आपको लगा कि ये कोर्स आपके काम का है, अगर नहीं है तो आपको लगता है कि ये किसी मेरे कलीग के काम का है जो स्पेशली मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, तो जरूर आप इस वीडियो को उनके साथ में शेयर कीजिए। आप भी अपना सर्टिफिकेट लीजिए, उनको भी सर्टिफिकेट दिलाने में हेल्प कीजिए और हर एक उस नेटवर्क में अपने फेसबुक पे शेयर कर दीजिए जो स्पेशली मेडिकल पर्सन के ग्रुप है, उनमें आपके सपोर्ट का हमें बहुत जरूरत है। आपको ये हमारा पूरा कोर्स बहुत पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर दें क्योंकि आपके सपोर्ट का हमें बहुत जरूरत है। और सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि हमारी जो भी अपडेटेड वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर डलेगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले वो आपको पहुंच जाएगा, तो आप वो वीडियो देख के सर्टिफिकेट तो ऐड ऑन कर सकती हैं, साथ में मेडिकल फील्ड की जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए सीख सकते हैं, उसमें स्किल ले सकते हैं और जो कि आपके करियर के लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।